22 जुलाई से कांवड़ यात्रा का आगाज होने जा रहा है, जिसे लेकर राज्य सरकार पूरी जांच कर रही है और पूरी तरीके से अलर्ट पर। कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को देखते हुए व्यापक इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा से पहले हिंदू मुसलमानों की राजनीति शुरू हो गई। रिपोर्ट करा दी। कांवड़ यात्रा से पहले हिंदू मुसलमान क्यों? कांवड़ से पहले भड़काने की साजिश। सावन का महीना जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा से पहले यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल सुर्खियों में हैं, और उसका कारण है उनका बयान। दरअसल कपिल देव अग्रवाल मुजफ्फरनगर में कांवड़ शिविर संचालकों के साथ बैठक कर रहे थे, और इस बैठक में कांवड़ मेले में मुस्लिम लोग हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं। वह अपनी दुकान चलाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान का नाम न रखें। ये कुछ मुस्लिम बंधु हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपने दुकानें चलाते हैं, वो दुकानें अपनी चलाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर वो हिंदू देवी देवताओं के नाम से ना रखें। कपिल देव अग्रवाल ने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा कि कांवड़िये जो वहां आते हैं और चाय पानी पीते हैं, नामों को गलत समझ सकते हैं, जिससे बाद में विवाद हो सकता है। इसलिए भविष्य में किसी भी तरह की समस्याओं को रोकने के लिए शुरू से ही स्पष्टता जरूरी है। बाहर से आने वाले कांवड़िये हैं, वो उस पे आकर के बैठते हैं, चाय पीते हैं, भोजन करते हैं, तो उसमें फिर विवाद का कारण बनता है, उनको पता लगता है। कांवड़ यात्रा को लेकर हो रहे हिंदू मुसलमान के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान की खूब चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पूरे देश में अयोध्या हो, बनारस हो या सावन में, हर क्षेत्र में हाथ में कलेवा बांध के अपने को हिंदू तरह दिखाकर वह दुकान खोलते हैं, और जिसके बाद विवाद होता है। Zee News.